हेलो गाइस, यू आर वेलकम द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी स्टफ। और मैं दोस्तों आज आप लोगों के सामने में परफेक्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक IBPS क्लर्क प्री को मैं लेकर के यहां आया हूं मैं। और यहां पर डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को इजीली एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। और हम इसको प्रीवियस ईयर कंपेयर करके क्या है इससे आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ आपको एनालाइज कर सकते हो कि आपको एग्ज़ाम्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस स्ट्रेटजी से आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको क्या है इजीली क्वेश्चन एग्जाम्स में सॉल्व कर लो। ठीक है, आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, वो स्ट्रेटजी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप उस स्ट्रेटजी को देखिएगा, समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि सर ने क्या स्ट्रेटजी यहाँ डिस्कस की है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये परफेक्ट स्ट्रेटजी मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, ये IBPS क्लर्क प्री के लिए है। इसके अलावा देखिएगा अभी मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या इस टाइप की जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या आता है IBPS के, देखिए पहले सबसे पहले मैथ्स का मैंने सेक्शन उठाया, किसका उठाया, मैथ्स का सेक्शन मैंने यहाँ उठाया। तो ये देखिए क्या टोटल 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, जिसमें से सिंपलीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। किसी किसी क्या है कि वो कहते नहीं, वो अलग अलग टाइमिंग की जो होती है, किसी किसी शिफ्ट में क्या आता है ये सिंपलीफिकेशन 15 भी क्वेश्चन थे। ठीक है, ये इशू नहीं लेने की ज़रूरत है, सर आपने ये बोला ये 10 ही आया था, नहीं, हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद भी अटेम्प्ट किया था। ठीक है, मैं खुद सेल्फ अटेम्प्ट किया था तो मुझे मालूम है कितने क्वेश्चन था, तो सबसे पहले ही मेरी सबसे फर्स्ट डे एग्ज़ाम्स मेरा था और फर्स्ट शिफ्ट में ही था। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, आप इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि देखिए इसमें ईजिली आपको एक चीज़ समझ आ रहा है कि सर सिंपलीफिकेशन आते हैं, नंबर सीरीज आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आते हैं। इस बार क्या है IBPS ने आपके लिए एक टाइम अलाट कर दिया है 20 मिनट, और इन 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो आपकी अगर एक स्ट्रेटजी और एक अच्छी अप्रोच नहीं रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं क्या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो इसलिए आपकी एक स्ट्रेटजी और एक अप्रोच अपने पास रखिए कि उस स्ट्रेटजी और इस अप्रोच से अगर आप वर्क करोगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और ज़्यादातर जानते हो वह जिसे वर्ड प्रॉब्लम या मिसलेनियस, वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन इजीली आया था यार, इजीली था, इतना टफ नहीं था जो लोग सोचते हैं सर बहुत टफ था, नहीं इजीली था यार, ये 15 क्वेश्चन इजीली थे, इतने आते नहीं क्योंकि मैं सेल्फ अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरा क्वालिफाई हुआ तो मैं जानता हूँ अच्छे से, इसलिए मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को क्या शेयर कर रहा हूँ कि ये इजी सेक्शन था। ये कैसे है? देखो इसके अलावा मैं बताऊँ आपको, यूपी की कट ऑफ नियर अबाउट 76 गई थी और सबसे ज़्यादा कट ऑफ उत्तराखंड की गई थी जो 78 पॉइंट समथिंग थी। तो ठीक है, तो अगर आपकी एक स्ट्रेटजी है और एक अच्छी अप्रोच नहीं रहेगी, फिर प्लस क्या है 20 मिनट टाइम्स अलाट कर दिया। मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, इंग्लिश के सेक्शन में सर वो तुरंत सर आउट ऑफ रेंज हो गए, तो मैं कहता हूँ आपको इशू नहीं बनाने की ज़रूरत है, आप सीखिए, देखिए और सीखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए क्या है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन, वो भी क्या था, टेबुलर डाटा आती है हमेशा भी आज की तरह, इस बार भी आपको टेबुलर डाटा देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आने हैं, सिंपलीफिकेशन के साथ हो सकता है 5 क्वेश्चन इस बार अप्रॉक्सीमेशन का देखने को मिल जाए, किसका अप्रॉक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल सकता है, और वर्ड प्रॉब्लम तो आपको जानते हैं रहना ही रहना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन देखने को मिलेगा श्योर। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं चलता हूँ आगे, फिर आपको और आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ और दूसरी चीज़ के आगे रीजनिंग का सेक्शन आ गया। अब रीजनिंग के सेक्शन में कैसे आपको क्या है कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे सिलाज में आया था, अब जानते हो सर 5 क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आए थे, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज 5 क्वेश्चंस आए थे, नंबर सीक्वेंस के आते हैं 5 क्वेश्चंस, और पजल के आ गए थे, पजल 2 थे, पजल कितने थे 2 थे, और बिल्कुल इनका लेवल इजी था। ये कोई बोलेगा सर इनका लेवल हाई था, नहीं मैं बोलूँगा मैं क्योंकि सेल्फ अटेम्प्ट किया हूँ, मेरा क्वालिफाई मुझे मालूम है, मैं आपको एकदम वही वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिस स्ट्रेटजी से मैंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया था, वही स्ट्रेटजी मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट था, मुझे अच्छे से याद है क्या आए थे, लीनियर उस पर बैठे थे, 8% का एक ये पज़ल थी और एक सीटिंग अरेंजमेंट की पज़ल थी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मेरी शिफ्ट में 3 पज़ल थी, आई होप शायद मेरे जब तक जहन में याद में है, एक वो फ्लोर वाली पज़ल थी। ठीक है,
या हो सकता है सीटिंग ना होकर के मेरे माइंड में जो चल रहा है वो फ्लोर वाली पजल थी, फ्लोर वाली थी, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से और मिसलेनियस क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो ये होते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता इन सारे क्वेश्चंस का, इजी क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी बंदा अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, अभी भी आपके पास टाइम है 1 मंथ की, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर इसके बाद मैं आपसे बता दूँ कि मैं डेली क्लासेस लेकर के आना हूँ IBPS क्लर्क की। अगर आप चाहते हो कि सर आप डेली IBPS क्लर्क की क्या है क्लास चाहते हो मैथ्स के सेक्शन में, क्वांट के सेक्शन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देना सर प्लीज़ स्टार्ट। ठीक है, अगर आप वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक का यार थम तो कर दे, चलो ना यार लाइक तो बनता है ना, आप बिल्कुल इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा मैं एक बात कर लूँ और कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था। देखो सेक्शनल कट ऑफ मैं जनरल की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो क्वांटिटेटिव ट्यूट में कितना था 13.5 था, रीजनिंग में 14.5 थे, इंग्लिश में कितना था 9.5। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि सर ये था। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप मुझे क्या है बिल्कुल थम कर दीजिए लाइक की बटन प्रेस करके। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश का कट ऑफ हाई था 9.5 था, जो कि मैक्सिमम क्या जाता है 4.5 या 5.5 मैक्सिमम, लेकिन इस बार क्या था 9.5। इट मीन्स बच्चों ने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आपको भी इस बार क्या है 20 मिनट्स आपको टाइम अलाट है, आप चाहो तो 20+ क्वेश्चन आप कर सकते हो, 30 में से 20+ क्वेश्चन कर सकते हो यार। प्री का लेवल इजी होता है, प्री का लेवल इजी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे उत्तर भारतीय जो होते हैं, जो नॉर्थ इंडियन, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश के सेक्शन में होती है। मैं कहता हूँ यार इंग्लिश सेक्शन इतना क्या है, अपने उसको बोस्टफुल या भौकाली मत बना लो यार कि एकदम आप टेंशन है। तो नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर के आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और मैं बता दूं, आपको चैलेंज करता हूं, आपको गारंटी देता हूं, आपके जो मैथ्स का सेक्शन है वो मेरा चैलेंज है। आप 20 मिनट्स में यू कैन गॉट 30+ क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व इट। ओके, मैं आपको बता रहा हूं कि और 20 मिनट के अंदर आप 30+ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और क्वांट के सेक्शन में 30.5 क्वेश्चंस। आई होप यहां तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, क्वांट का कितना गया 30.5, रीजनिंग का 14.5, यूपी का ओवरऑल गया था 76 पॉइंट समथिंग था, और सबसे हाई कट ऑफ गई थी आपकी उत्तराखंड की गई थी, जो कि 78 पॉइंट समथिंग था। आई थिंक ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बेस पर क्या चाहते हैं आप, मैं डेली क्लासेज स्टार्ट करूँ IBPS क्लर्क का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में